अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। इस चैप्टर को मैंने तीन हिस्सों में बांटा था। एक कैलकुलेशन कैलकुलेशन थी, हो गई, बस बहुत है। जनरल एंट्रीज मैंने आपको ना इन्वेंटरी की एंट्रीज बता दी हैं, ओवरहेड्स की नहीं बताई। वो एक डबल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। लेबर की अभी बता देता हूं। क्या जी? तो मैंने क्या लिखा? तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है? एंट्रीज करते हैं ना। अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट लिखे यार, अकाउंटिंग फॉर लेबर कॉस्ट। अकाउंटिंग में एंट्रीज ही करते हैं ना, तो एंट्रीज बताने में। अच्छा, एंट्रीज बेहतर समझ आएंगी अगर मैं ना वैल्यूज बना लूंगा। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा के फिर एक सवाल लिखवाता हूँ, और उस सवाल के जवाब में जो एंट्रीज करूंगा वही एंट्रीज है। बगैर वैल्यू इन्वेंट्री में बगैर वैल्यू के एंट्री समझाना ठीक था, लेबर में मुश्किल है एंट्री समझाना। तो मैं आपको एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, और वैल्यूज के साथ जो उसके सोल्यूशन में एंट्रीज कर रहा हूँ वही सिखानी थी आपको एंट्रीज। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। एक एम्प्लॉय को सैलरी जो बताई गई, उनको कहा कि हम आपको 2,00,000 रुपए दिया करेंगे, लेकिन जब पे करने लगेंगे तो पूरे 2,00,000 पे नहीं करेंगे, इसमें से एक को इनकम टैक्स काटा जाएगा। एक तो इसमें से इनकम टैक्स काटेंगे 40 रुपए। फिर इसके अलावा हम आपको अगर सारे पैसे अभी दे दें तो आप तो याशी में उड़ा देंगे, फिर जब बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे घर से निकाल देंगे, फिर क्या करोगे? तो हम ना एक फंड बनाने लगे और उस फंड में आपके पैसे जमा करने लगे। इस फंड की कई मिसालें हो सकती हैं, लेकिन आपके लेवल पर जो टेस्ट हो सकता है वो प्रोविडेंट है। हाँ जी, ये टैक्स में पढ़ा होगा इसलिए बता रहा हूं। तो होता यह है कि हर महीने की सैलरी में से कुछ अमाउंट काट के इस डब्बे में डाल दी जाती। अब ये 20 रुपए हर महीने, 20,000 रुपए। अच्छा, मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास करूंगा। हाँ, तो वो कल करूंगा जी, इसी सैटरडे को। अगले सैटरडे अपनी बिरयानी अपडेट दिखा के आइएगा। अगले सैटरडे को FR2 भी करूंगा। इस सैटरडे को फास्ट की है और वो होगी 3 बजे, 3:15 कह रहे। बता रहा हूँ 3:15 बजे होगी और इसी कैंपस में होगी। और रूम 3 में, और जो लोग ना आना चाहें तो वो वाली एक्स्ट्रा क्लास में YouTube पे भी डलवा दिया करूंगा, जो एक्स्ट्रा होगी वो YouTube पे डलवा दूंगा। अच्छा, चूंकि मैंने दूसरे सेक्शन वालों को भी उसी में ही बुलाना है तो मुझे सच्ची सच्ची वाला बताइएगा कि कितने आप में से उसमें बैठेंगे। नहीं यार, हैं? अच्छा, सारे एक बार होश में नहीं होते हैं, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। सैटरडे को कॉस्ट की एक्स्ट्रा क्लास इधर इसी कैंपस में ही। यहाँ से निकले तो खब्बे पास से आगे टर्न आएगा, फिर आप लेफ्ट हो जाएं। पहला ये जो वहाँ कमरा होगा रूम 3, तो वहाँ पर 3:15 से 4:45 ज़्यादा हो गए, 4:30, 4:30। तो सैटरडे वाले दिन, और जिन्होंने नहीं आना मैं वो वाली क्लास यूट्यूब पर डलवा दूंगा।
ठीक है, ये भी जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, मुझे पता है इन सब 100% नहीं होंगे सारे, तो मैं अंदाजन से गुलबर्ग वालों को भी कह दूंगा आने के लिए। तो कल 3:15 इस कैंपस में room 3, ठीक है, इस कैंपस में, यहीं इधर गार्डन टाउन, ठीक। ये ना दो मिसालें बताई हैं, इनकम टैक्स और प्रोविडेंट फंड, और भी हो सकता है कुछ। कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें से डिडक्शन हो रही है, कितना बचा 140, इतने पैसे उस एम्प्लॉई को देने लगेंगे। लेकिन अगर उसने कोई पिछले महीने उससे पहले कोई 25-30 हजार एडवांस ले लिया था तो वो भी इसमें से काट लेंगे। चलो 25,000 एडवांस लिया था उसने, अब जो बचा 115, ये उस एम्प्लॉई को कैश दिया जाएगा। ये हर महीने की सैलरी का एक प्रोसीजर है कि जो उसको टोटल अमाउंट बताई गई है उसमें से इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, वो पैसे जो उसके नाम पे एक डब्बे में डाले जा रहे हैं वो डिडक्ट होंगे, और फिर जो पैसे बचेंगे वो उसको दे देंगे। लेकिन अगर उसने कोई पहले एडवांस ले लिया था तो फिर वो भी काट देंगे। ये नेट अमाउंट है जो एम्प्लॉई को दी जाएगी। ये चूंकि सरकारी रूल्स के अंडर आ रहा होता है, तो अगर इन्होंने प्रोविडेंट फंड का फैसला किया है तो फिर इनको यानी एम्प्लॉयर को अपनी जेब से भी 20 रुपए डालने पड़ेंगे इसमें। इसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और ये पैसे 20 इस डब्बे में कैसे आ रहे हैं, एम्प्लॉय की जेब से कट के। इसको कहते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का वर्ड होता है कि फंड में कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस फंड में इस एम्प्लॉई के नाम पे हर महीने 40,000 जमा होने शुरू हो जाएंगे। 20 जो उसकी तनख्वाह से कटा था और 20 जो एम्प्लॉयर ने इस 2 लाख के अलावा मजीद अपनी जेब से डाला था, और ये हर महीने जमा होते जाएंगे। इसके अलावा इस फंड में जितने पैसे आ रहे हैं उनको इन्वेस्ट किया जाता है, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसको इन्वेस्ट किया जाता है, वहां से कमाते हैं, वो भी इसी के अंदर आता रहता है। फिर फाइनली जब एम्प्लॉई रिटायर होता है तो ये पैसे उसको दे देते हैं। इस एग्जाम्पल के मुताबिक एम्प्लॉयर को ये लेबर कितनी कॉस्ट कर रहा है, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस क्या है, 220। क्योंकि एम्प्लॉयर ने अल्टीमेटली तो ये 200 देने ही है, बेशक एम्प्लॉय को इतने देने थे, बाकी इतने गवर्नमेंट को भी तो देने थे, इतने काट के वहां डब्बे में डाल देने थे, तो एम्प्लॉयर को तो ये 2 लाख ही कॉस्ट कर रहा था, और चूंकि वो एक्स्ट्रा है तो एम्प्लॉयर को कॉस्ट कर गया पूरा 220। तो एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस 220, एम्प्लॉई को कैश 140 जाना है। ये भी उसको कैश ही गया था ना, वो कट गया, वरना एम्प्लॉई को कैश 140 जा रहा है और एम्प्लॉयर को एक्सपेंस कितना पड़ रहा है 220। इस मिसाल से जो पूछना है पूछें, फिर मैं आपको एक सवाल लिखवा के उसके सॉल्यूशन से एंट्री सिखा रहा हूं। क्या क्या एम्प्लॉई कह रहे हैं, पूछे दोबारा पूछे, एम्प्लॉई की सैलरी से पैसे कटे। अच्छा इस 25 को भी छोड़ते हैं, इस 25 को रहने देते हैं अभी। इस 200 में से 40 का कैश एम्प्लॉयर मालिक ने मुलाजिम की तनख्वाह से काटा और गवर्नमेंट को पे कर दिया, 20 रुपए उसकी तनख्वाह से और काटे और इस डब्बे में डाल दिए, बाकी 140 मुलाजिम को दे दिए, तो मालिक की जेब से पूरा 200 चला गया, है ना, 40 भी उसकी जेब से गवर्नमेंट को गया, ये उस डब्बे में गया और ये एम्प्लॉई को गया, 200 गया, और फिर 20 मजीद इस डब्बे में एम्प्लॉयर ने अलग से डालना है, तो एम्प्लॉयर को 220 कॉस्ट कर रहा है ये बंदा। और इसमें पूछा जो पूछना, ठीक है। अच्छा ये तो एक बंदे के हिसाब से मैंने आपको आइटम्स बता दी पूरी। प्रोसीजर ये होता है कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, उसको पेरोल भी कहते हैं, वो सारे एम्प्लॉयज की टोटल कैलकुलेशंस करता है, और उन टोटल कैलकुलेशंस के बाद, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज की सैलरीज होती है ना ये कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ये गैर अखलाकी है दूसरों से तनख्वाहें पूछना, ये अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो जो पेरोल डिपार्टमेंट है वो सारे लोगों की कैलकुलेशंस करने के बाद ग्रैंड टोटल फिगर्स अकाउंटेंट को बता देगा, उस अकाउंटेंट ने एंट्री करनी है ना, उस अकाउंटेंट को क्या लगेगा काशिफ की कितनी है और सैलरी बशीर की कितनी है और अमजद की कितनी है, उसको टोटल बता दिया जाएगा। तो पेरोल डिपार्टमेंट महीने के एंड पे
ये सारी कैलकुलेशंस करेगा, पैसे देने वालों को पैसे देगा, गवर्नमेंट को पैसे देने हैं, जो भी है सारी कैलकुलेशंस करके हिसाब किताब अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएगा और फिर वो एंट्रीज करेगा। सवाल लिखें, इस सवाल से मैं आपको वो सारी एंट्रीज बताता हूँ। Following information pertains to the month of. Following information pertains to the month of June 2021. ये जून के महीने की इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ। टोटल वेजेस ₹5,00,000। ये जो अभी तक कर रहे थे ना बेसिक वेजेस ओवर टाइम वगैरह ये सब कैलकुलेट होके ₹5,00,000 टोटल वेजेस ₹5,00,000। इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए, बल्कि रहने दे इसके साथ नहीं, वो तो बाकी भी आगे इस्तेमाल हो जाएंगे, बस अभी ब्रैकेट में कुछ नहीं, बस टोटल वेजेस ₹5,00,000। इनकम टैक्स डिडक्शन ₹45,000 employees contribution to provident fund is 10% of wages, 10% of wages. Employer also contributes. Employer also contributes same amount to provident fund. Advances paid during the month against salaries. ₹120,000, ₹1,20,000। इस साल इतने एडवांसेस दिए हैं एम्प्लॉइज को। Advances to be adjusted against June salary. Advances to be adjusted against June salary. ₹35,000. All payments were made at the end of month. All payments were made at the end of month. Total labor cost comprises of 70% direct. 70% direct labor and 30% indirect labor. मुझसे रिक्वायर्ड है
जी जी मुझसे मैं फालतू में करता हूँ, मैं करके देता हूँ, मुझसे रिक्वायर्ड है ऑल रिलेटेड जनरल एंट्रीज, ऑल रिलेटेड जनरल एंट्रीज। अच्छा लेबर से रिलेटेड ना तीन चार एंट्रीज हैं बस। एक काम होता है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड कोई एडवांस दिया है तो, ये मैं बस रैंडमली कर रहा हूँ, यानी मैं तीन चार एंट्रीज कर रहा हूँ बस ऐसी रैंडमली। एक काम होता है कि जो एडवांसेस ड्यूरिंग द पीरियड पे किए गए उनको रिकॉर्ड करना, एक एंट्री इस चीज की होती है। कितने दिए गए इस महीने में? 120,000 क्या एंट्री होनी चाहिए? 120 डेबिट जबरदस्त और 120 क्रेडिट ना कमाल हो गया। तो एंट्री होगी 120,000 डेबिट और 120,000 क्रेडिट। जी क्या डेबिट होगा? एडवांस ना, क्योंकि एडवांस पे कर रहे हैं अभी, तो एडवांस टू एम्प्लॉइज भी कह सकते हैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरीज भी कह सकते हैं, बस एडवांस का वर्ड जरूरी है। और कैश या बैंक क्रेडिट क्या अमाउंट थी? 1,20,000। अच्छा मैं कर इस सवाल को सॉल्व रहा हूं, लेकिन मैं आपको बेसिकली सिखा कह रहा हूं कि अगर ड्यूरिंग द पीरियड एडवांसेस पे हो तो ये एंट्री होती है। ये तो हो गई ड्यूरिंग द पीरियड जब भी एडवांसेस दिए हो गए होंगे। बाकी काम अब मंथ एंड का है। मंथ एंड का काम ये है, जो पेरोल डिपार्टमेंट वाले ने टोटल फिगर्स अकाउंटेंट को बताई है वो उनको ना रिकॉर्ड दो स्टेप्स में करता है। एक चीज कहलाती है कि वो रिकॉर्ड कर रहा है, इसको मैं कह देता हूं रिकॉर्डिंग पेरोल, पेरोल को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने में अभी फिलहाल डेबिट की वो टेंशन नहीं लेगा, अभी वो सिर्फ डेबिट एक वर्ड करेगा वेजेस कंट्रोल। इसको फिर भी बाद में देखेगा कि ये किन लोगों की वेजेस हैं, तो पहले एक वेजेस कंट्रोल नामी टेम्पररी अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। करना क्या है इसमें डेबिट? टोटल लेबर कॉस्ट करनी, टोटल लेबर कॉस्ट है। लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ एंट्री करते हुए, अभी इस एंट्री में ये नहीं करने लगे कि ये लेबर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, अभी सिर्फ वेजेस कंट्रोल नाम का एक जनरल अकाउंट है, अभी खत्म हो जाएगा ये। लेकिन अभी फिलहाल इस नाम को तोड़ा नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, बस वेजेस कंट्रोल। इस एंट्री में ज्यादा फोकस इस बात का है कि क्रेडिट क्या क्या होना है। टोटल वेजेस, टोटल लेबर कॉस्ट कितनी? 5,00,000 टोटल सैलरीज थी, वेजेस थी, उनमें से इंप्लॉई का कट जाना है 10%, 50,000। वो तो चलो उन पांच में से ही कटेगा, वो तो इंप्लॉई को पैसे देते देते रख लेंगे, लेकिन उतना ही यानी 50,000 एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा अपनी जेब से डाल रहा होगा, तो एम्प्लॉयर को तो 550 कॉस्ट करने लगा है, तो 550,000। अगर ये सारे पैसे एम्प्लॉय को दे देने होते तो क्रेडिट हो जाता पेबल टू एम्प्लॉय, अगर ये सारे पैसे एम्प्लॉय को ही पकड़ाने होते तो क्रेडिट हो जाता पेबल टू एम्प्लॉय। लेकिन नहीं, जो जो एम्प्लॉय को नहीं देना पहले वो करते जाते हैं। क्या क्या, कितने कितने पैसे एम्प्लॉय को नहीं देने लगे? टैक्स हम एम्प्लॉय से काट रहे हैं, किसको देने हैं ये? गवर्नमेंट को, तो इसको विदहोल्डिंग टैक्स भी कहते हैं, WHT पेएबल, विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल। हम टैक्स पेएबल भी लिख सकते हैं, हम एम्प्लॉय की तनख्वाह में से कुछ पैसे काटने लगे हैं जो गवर्नमेंट को देने हैं, तो गवर्नमेंट का पेएबल क्रेडिट। कितने पैसे काट रहे हैं? फिर इसके अलावा पैसे काट के प्रोविडेंट फंड में डालने हैं, इसके लिए हम बना लेंगे पेएबल टू प्रोविडेंट फंड। मैंने यहां वो एम्प्लॉयर वाला भी तो ऐड कर लिया ना, 550 बना लिया मैंने, तो इसलिए 1,00,000 है जो इसमें से, 1,00,000 है जो फंड में जाना है, क्योंकि एम्प्लॉय की तनख्वाह में से 50 कटना था और एम्प्लॉयर ने जो एक्स्ट्रा 50 देना था मैंने डाल लिया है डेबिट में, तो अब 1,00,000 है जो उस फंड में डालना है। और एडवांस एडजस्ट करना है कितना, तो एडवांस
जो एसेट बनाया हुआ है वो कम हो जाएगा। कितना काटना है? तो जो टोटल लेबर कॉस्ट है, वेजेस कंट्रोल डेबिट, और वेजेस कंट्रोल ही यूज कर ले, वैसे इसके लिए पेरोल का वर्ड भी यूज हो सकता है, पेरोल, लेकिन ठीक है वेजेस कंट्रोल कर ले। और इनमें से जितनी डिडक्शंस होके बाकियों को पे करने हैं उनका पेएबल बनाते जाएंगे, और जो एम्प्लॉई को फाइनली बच के देना है बाकी, वो पेएबल टू एम्प्लॉयज बन जाएगा। अच्छा पैसे तो दे ही दिए तो सीधा कैश ही क्रेडिट कर लेते, नहीं ये आदाब के खिलाफ है, पहले पेएबल्स बनाएंगे फिर पेएबल्स को पे करेंगे, ये डिसेंट तरीका। हाँ जी क्या आना चाहिए था आपके ख्याल में? नहीं 55 कैसे? देखें एम्प्लॉय की तनख्वाह है 5 लाख, इस 5 लाख में से 50,000 एम्प्लॉय का 10% फंड में जाना है कट के, टैक्स कट जाना है 45, एडवांस एडजस्ट हो जाना है 35, बाकी पैसे एम्प्लॉय को देने हैं। ठीक है मैं वो पुरानी वाली बात पूरी समझा रहा हूँ ना, 5 लाख टोटल है, इसमें से इतने एम्प्लॉय के पैसे कटने हैं, इतना टैक्स एम्प्लॉय से कटना है, इतना एडवांस कटना है, बाकी एम्प्लॉय को देने हैं, ये पैसे जाने हैं फंड में, फिर फंड में इसके अलावा 50 और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से देने हैं। तो एम्प्लॉयर को टोटल तो 5.5 लाख कॉस्ट कर रहा है ना, ये वो 5.5 लाख है, फंड में टोटल कितने जा रहे हैं? ये वो 1 लाख। तो अब पेबल टू एम्प्लॉयज कितना बन जाएगा? 3.7। ये पेरोल रिकॉर्ड हो गया, वेजेस कंट्रोल डेबिट, और जो जो डिडक्शन है उनके अलहदा पेबल, और आखिर में फिर एम्प्लॉय को पेबल। और ये जो वेजेस कंट्रोल अभी डेबिट किया था, ये फिलहाल बस डेबिट किया था, एक बार ये रिकॉर्ड हो गया, अगला स्टेप होगा इसको फिर तोड़ना कि ये कौन लोग हैं जिनकी तनख्वाहें हैं। तो वो दो तरह के हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट। इस तोड़ने को कहेंगे हम पेरोल को चार्ज करने लगेंगे, वो टोटल वेजेस, वो टोटल लेबर कॉस्ट जो अभी फिलहाल हमने इस टेम्पररी अकाउंट में इन की है, अब यहां से लेके आगे जानी है कि चार्ज कहां होनी है। इन्वेंट्री की अगर थोड़ी बहुत आपको एंट्रीज याद हो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, जिसको हो, मटेरियल जब प्रोडक्शन से स्टोर से इशू होता है प्रोडक्शन को, तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट और डेबिट क्या? अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो एक वर्क इन प्रोसेस का नाम बताया था वो डेबिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो FOH का एक नाम बताया था। सेम बात यहां पर होगी कि इसको तोड़ के हम दो जगह डेबिट करेंगे, वो खर्चा जो डायरेक्ट से रिलेटेड है वो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में जाएगा, और वो खर्चा जो इनडायरेक्ट है वो FOH कंट्रोल नामी अकाउंट में जाएगा। ये FOH कंट्रोल क्या होता है, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होती है, ये मैंने उस चैप्टर में भी नहीं बताया था, आपको कहा था कि आगे एक सेपरेट डबल एंट्रीज वाला चैप्टर पढ़ना है तब बताऊंगा, तो अभी भी मेरा सेम जवाब है, तब बताऊंगा। ये 5.50 क्रेडिट हो गया, और इसको तोड़े कितना? 70 और 30 जी, 3.85। और ये आपके लिए बता रहा हूं कि ये वाला पोर्शन होगा डायरेक्ट लेबर का, और ये वाला पोर्शन होगा इनडायरेक्ट लेबर का, और अगर एग्जाम में टेस्ट हो तो फिर पता होगा कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। और आखिरी काम जो पेबल्स बनाए थे वो पे कर दें। जो जो पेबल थे वो सब डेबिट, गवर्नमेंट को पेबल, फंड को पेबल, और एम्प्लॉय को पेबल। और इन सब के अगेंस्ट फिर पैसे चले जाएंगे
ये होती है जी लेबर की एंट्रीज। पढ़ने क्या लिखा, जितना टोटल लेबर कॉस्ट का खर्चा था उसके अगेंस्ट हमने पेएबल्स बनाए। तो उन पेएबल्स को क्या करना है, पे करना है ना, ये पे कर दिया। चलो ऐसे कर लो, हाँ, यानी आप अभी इसको ना करें, अभी ये ना लिखें, और जब ये एंट्री करने लगे तो पेबल वाला सारा डेबिट कर लें, एडवांस क्रेडिट करें, बैंक क्रेडिट करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारी टोटल लेबर कॉस्ट है, टोटल लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री में जितने लोग हैं ना उन सब की जो टोटल लेबर कॉस्ट बनती है, बेसिक वेजेस, ओवर टाइम, बोनस, सब जो पढ़ रहे थे पिछले चार दिन से, ये वो टोटल लेबर कॉस्ट है। वैसे अगर इस एंट्री से पहले बेसिक अकाउंटिंग की के हिसाब से पूछूं तो सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। तो बस ये वही किया है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, बेसिक सा देखें तो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट किया है। लेकिन अभी इसको हम एक्सपेंस इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि इसको भी तोड़ना बाकी था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो बस अब ये टेम्पररी अकाउंट था वेजेस कंट्रोल, ये डेबिट कर दिया, जिसमें से फिर शॉपर से निकाल के ये लग रहा डेबिट करने, अभी उनको अभी तोड़ने इसी एंट्री में मिक्स करने की बजाय प्रोसीजर है। जैसे आप यहाँ क्लास में आ रहे हैं तो सीधा बाहर से कूद के क्लास में तो नहीं आ गए ना, ये कॉरिडोर से चल के आए, एक पूरा प्रोसीजर है। तो एक बार एक्सपेंस इस नाम से डेबिट किया और अगली एंट्री में इसको तोड़ के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अलग अलग डेबिट कर दिया। इसी तरह ये पैसे सारे के सारे एम्प्लॉय को नहीं देने थे, डिडक्शंस होनी थी, जो डिडक्शंस होनी थी वो भी किसी ना किसी को तो देने ही थे, तो जिन जिन को इसमें से जो जो पैसे देने हैं उनके अलग अलग टेबल बनने शुरू हो गए जी। यहां पर एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट किया, और फिर जब पेबल पे कर दिया तो पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कर दिया। आप एफ1 अभी पढ़ रहे हैं, अच्छा, हमने ना एक्रूअल प्री पेमेंट्स एक चैप्टर पढ़ना है, एक्रूअल और प्री पेमेंट, तो फिर शायद ये बेहतर हो जाए बात। हाँ तो बेटे एसेट था तो डेबिट किया था ना, वो एसेट था जब दिए थे, डेबिट किया था क्योंकि एम्प्लॉयर का ये एसेट था, तो अब जब एम्प्लॉई ने पैसे कटवा लिए तो क्या अब भी एम्प्लॉयर का एसेट रहा, कम हो गया, ये वो कम हो गया तो क्रेडिट। पूछे भाई और पूछे, ये लेबर की एंट्रीज डन, जी जी उधर किधर, देखें इस एंट्री में हम फाइनली ये निकाल रहे हैं कि एम्प्लॉई को बस नेट कितने पैसे देने हैं, आप तो एडवांस काट के देने हैं ना, तो इसीलिए यहां एडवांस वाली एंट्री आई, एडवांस एडजस्ट हुआ तो बाकी पेएबल बना। अब ये वो पैसा है जो नेट कैश पहुंचाना है एम्प्लॉई तक, वो पहुंचा दिया। जी और लेबर की एंट्री नहीं है, अच्छा एक सवाल क्वेश्चन 5 पार्ट बी देखें, क्वेश्चन 5 पार्ट बी, यही जो लेबर के नोट्स हैं, लेबर के नोट्स में क्वेश्चन 5 पार्ट बी,
पार्ट एक दफा क्लास में किया था आप लोगों ने, पार्ट बी क्वेश्चन फाइव पार्ट बी पहुंचे। अच्छा इस सवाल को जो करना चाहे ठीक है अभी कर लें, ना करना चाहे कोई मसला नहीं, मेरे लिए इक्वली है, सोल्यूशन ही देख लें काफी है मेरे लिए। हाँ जी अभी पार्ट बी पढ़ें और इसका सोल्यूशन देख लें, खुद पहले करने की कोशिश कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं आप डायरेक्ट सोल्यूशन देख लें वो भी ठीक है। क्वेश्चन फाइव पार्ट बी क्वेश्चन पढ़िए और उसका सोल्यूशन देख लीजिए, फिर जो ना समझ आए वो मैं करता हूँ डिस्कस। पहले तो खुद ही समझने की कोशिश करें ना, फिर मैं कर लेता हूँ डिस्कस। हाँ जी डन, तो मैं डिस्कस करूँ। अच्छा एक महीना फरवरी का ही डाटा दिया हुआ है और
ये बेसिक वेजेस आ गई, सात अलाउंसेस आ गए, आप बेशक उनको ओवर टाइम कह दें, बोनस कह दें, 567,000 आ गए। ये वो है जो मैंने इस सवाल में 5 लाख कहा था, 567,000 हो गया। इसमें से डिडक्शंस लिखी हुई है नीचे, डिडक्शंस यानी इनमें से कटने वाले पैसे होंगे। तो ये लोन्स टू स्टाफ क्या चीज है, क्योंकि डिडक्शन में आ रहा है ना, तो ये कभी दिया होगा, अब डिडक्ट हो रहा है। ये वो चीज है जो मैंने भी यहां एडवांस टू एम्प्लॉई बताया था। तो ये 13,000 रुपए उसकी पेमेंट में से डिडक्ट होने लगा है, डिडक्शन के साथ लिखा हुआ है। तो ये वही चीज है जो इस सवाल में 35,000 था, ठीक है, 35 जो था ना इसमें वही 13,000 है। फिर इसमें इनकम टैक्स जो कटना है वो ये है जो ये था, ये नहीं, इनकम टैक्स जो मैंने इस सवाल में 45 कहा था ये वो है जो उस सवाल में 15 है। लोन टू स्टाफ जो वहां 13 है ये वो है जो मैंने इस सवाल में 35 कहा था। फिर जो एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉयज की डिडक्शन कटनी है वो इसमें से 50,000 जो थी ना ये वो है जो वहां है, इनमें से 50 थी ना जो एम्प्लॉय की थी, ये है जो वहां 35,000। इसके बाद द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे, इसका मतलब है जो यहां पर लिखा हुआ है ये कंपनी यानी एम्प्लॉयर की जेब से जाना है, एम्प्लॉय से नहीं काटने ये पैसे, एम्प्लॉय से वही काटने से जो ऊपर टेबल में है, ये एम्प्लॉयर की जेब से मजीद पैसे जाने हैं। एक तो पहला बुलेट पॉइंट ये वही है जो एम्प्लॉय ऊपर 35,000 रुपए कटवा रहा है, तो फिर ये एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से भी 35 देने हैं। लास्ट बुलेट पॉइंट के अलावा ये वही चीजें जो मैंने यहां बताई, जो उस सवाल में 567,000 बनता है वो है जो मैंने 5 लाख बताया। फिर आगे डिडक्शन के अंदर इनकम टैक्स जो वहां 15 लिखा है वो ये है, जो वहां लोन टू स्टॉफ 13 लिखा है वो ये है, जो इंप्लॉई की कंट्रीब्यूशन है वो ये वाला 50 है, और जो इंप्लॉयर ने मदीद अपनी जेब से करना है वो आगे बुलेट पॉइंट नंबर 1 है। यहां तक सेम यही बातें हैं। लास्ट बुलेट पॉइंट ये है कि इंप्लॉयर के जिम्मे लगाया है गवर्नमेंट ने कि आपने जो इंप्लॉई को सैलरी देनी है उसमें से जो उसकी कंट्रीब्यूशन काट रहे हैं प्रोविडेंट फंड की, एक तो वो आपने अपनी जेब से और पैसे डालने हैं, इसके अलावा एक और सरकारी इदारा है आपने उसको भी एक्स्ट्रा पैसे जमा कराने हैं अपने एम्प्लॉई के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे शायद आपने ना पता नहीं टैक्स में ये ईओबीआई का वर्ड सुना है, नहीं ईओबीआई होता है एम्प्लॉईज ओल्ड एज बेनिफिट, आई पता नहीं क्या होता है ये ना, एम्प्लॉयर्स ने आप समझ आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एम्प्लॉयर जो अपने वर्कर्स को तनख्वाहें दे रहा है उसी के साथ जो उसी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक गल्ला बनाया हुआ है उसमें सब लोग पैसे डालें आके सदके के लिए, जब आपके कोई गरीब वर्कर्स एक्सीडेंट हो जाए कोई मुश्किल आ जाए तो वो फिर गवर्नमेंट के उस अदारे में अप्लाई करेंगे, वहां से उनको गवर्नमेंट कंपनसेट करेगी। उस जगह पर पैसे कहां से आए थे, जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को कहा गया था कि आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर से हटा के एक्स्ट्रा पैसे भी जेब से वहां से डालें, तो वो भी तो एम्प्लॉयर को एक सैलरी कॉस्ट ही पड़ रही है ना, तो एम्प्लॉय को अब जो सैलरी कॉस्ट पड़ गई 567,800 जो अपनी जेब से उसने 35 डालने हैं वो भी, और बेसिक सैलरी का यानी 420 का 5% वो और एक्स्ट्रा पड़ना है, कितना ये एम्प्लॉयर को अब टोटल वेजेस कंट्रोल पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से काटना होता तो ऊपर फिर उस टेबल में डिडक्शंस में आ रहा होता। अंग्रेजी लिखी हुई है द कंपनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे, और पहले बुलेट पॉइंट का इसके साथ होना यह बता रहा है कि यह कंपनी को एक्स्ट्रा पड़ने वाले हैं। हाँ जी ओके। अच्छा पहले मैंने ये सोचा था कि मैं ना प्रोसेस शुरू कराऊंगा, और एक डबल एंट्री का सवाल आया था आज से को 12 साल पहले और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, और वो आपको दूंगा होमवर्क में कि नहीं नहीं सुने ना कि आप उसको तसल्ली से पढ़ के आए, होम असाइनमेंट के तौर पर टेस्ट नहीं है बस एक केस स्टडी है, अच्छी तरह पढ़ के कैलकुलेशन समझने की कोशिश करें फिर मैं अगली क्लास में वो डिस्कस करूंगा। तो ऐसे भी मेरा टाइम ऐसे लगता कि अभी मैं प्रोसेस शुरू कराता फिर वो आपको घर से पढ़ने के लिए कहता फिर कल पहले वो डिस्कस करता फिर आधी क्लास में प्रोसेस कराता, तो आप लोगों की शक्लों को देखते हुए मैंने आज फैसला ये किया कि घर से पढ़ने वाला काम मैं वापस ले लेता हूँ। तो मैं अभी ही वो जो कल आधा घंटा लगाना था वो मैं अभी लगाता हूँ, कल फिर फ्रेश प्रोसेस ही शुरू कराऊंगा। तो आप लोग एक काम करिए कि क्वेश्चन 6 पढ़ लें, ये ना एक मुश्किल क्वेश्चन था बिल्कुल, और इसमें एक ऐसी चीज़ भी टेस्ट हो गई थी
जो सीफ है वन लेवल की है, लेकिन उसने बस कॉन्सेप्चुअली सोचा कि देखे स्टूडेंट क्या करता है, तो इसलिए ये है तो एक गैर अखलाकी सवाल। लेकिन ऐसा होता रहा है पास्ट में कि पुराना ही कोई सवाल थोड़ा बहुत अमेंड करके फिर पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रहा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लें, ये मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, पाक एयर पखैर चलो पखैर कह लें आप, पाक एयर। चलिए पखैर से आगे बढ़ लें, पढ़ लें सवाल पढ़ लें। लाइट ऑन है इसकी, नील ज्यादा खड़ा गया यार, वो उधर ना एक स्विच है ये लाइट ऑफ करने के लिए। हाँ कौन सा तार है, ठीक है। अच्छा अप्रैल के महीने
अच्छा जिन्होंने इसको इग्नोर भी करना है तो चुप करके बैठना है, टेंशन ना डालना क्लास में। अप्रैल के महीने का डाटा दिया हुआ है और उस डाटा में ग्रॉस सैलरीज, बेसिक वेजेस कह लें, ओवरटाइम अलग अलग, चार डिपार्टमेंट्स का, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सर्विस डिपार्टमेंट है, इससे क्या हिंट मिल रहा है ये क्यों बताइए इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए, ये डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट के लोग हैं इनडायरेक्ट। इनकी हर डिपार्टमेंट की बेसिक सैलरीज बता दी, ओवरटाइम बता दिया और जो इनकम टैक्स काटना है वो बता दिया। अब आगे क्या है, पॉइंट 3 बताता हूं पहले, ये वो कंट्रीब्यूशन वाला फंड वाला पॉइंट है कि 8.33% सैलरी में से कटता है और फंड में जाता है, कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉयज। ये वही जो अभी दो सालों में देखी है बात, ये पॉइंट नंबर 3, वही प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन वाली बात और एम्प्लॉयर की जेब से जाने वाली बात, ठीक है पॉइंट 3 ओके। अप्रैल के महीने की एंट्रीज मांगी है, चूंकि पॉइंट नंबर 5, जो इस महीने में एडवांस दिए गए, जो मैंने पहली एंट्री की थी एडवांसेस पेड, वो इतने हैं और जो रिकवर्ड यानी एडजस्टमेंट वाली थी वो ये है, जो मैंने भी सवाल के अंदर खुद बनाए हुए 1,20,000 वाली पहली एंट्री की थी वो ये है और जो 35,000 एडजस्ट किए थे वो ये। पॉइंट 5 भी ओके, ठीक है। अब इसमें एक वर्किंग की हुई मैंने सॉल्यूशन में, जो यही दिखा देता हूं आपको, चारों डिपार्टमेंट की मैंने ये जो पेरोल कॉस्ट जो बेसिक वेजेस लिखी थी वो लिख दी, ओवरटाइम लिख दिया और ये दोनों मिलके जो एम्प्लॉई की टोटल वेजेस बन गई। इसमें मजीद ऐड किया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई क्यों नहीं, वो तो उसमें से ही कटता है, वो तो ऑलरेडी इसमें होता है, एम्प्लॉयर है जो मजीद ऐड हो रहा है। ये मैंने एम्प्लॉयर्स का 8.33% इन चारों का अलग अलग कैलकुलेट करके यहां डाल लिया, ये वो एम्प्लॉयर है, पढ़ा जा रहा है कि नहीं। ये मैंने ये दोनों लाइनें सवाल में दी थी, हर डिपार्टमेंट की अलग, इसको मैं वर्किंग प्रोसेस में डाल दूंगा, इसको ओवरहेड में, ये दोनों लाइनें सवाल में दी नहीं थी, ये मैंने साथ वो एम्प्लॉयर वाला हिस्सा ऐड कर लिया, ये तीन लाइनें ओके। और जो डिडक्शन होनी है, जो पेएबल पेएबल अलग अलग बनने हैं, एक उनमें से इनकम टैक्स है जो सवाल में दिया हुआ है और ये एम्प्लॉई वाली कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, अच्छा और ये एडवांस क्या है, हैं वो जो सवाल में एडजस्ट करने को कहा है, ये अभी तक के पढ़ाए हुए की चीजें ये हैं। अब इसमें नया क्या था, दो चीजें हैं नई, एक है जो पहले निस्बतन आसान है, पॉइंट नंबर 2, कंपनी की पॉलिसी है कि वो साल में एक दफा यानी एनुअल बोनस दिया करते हैं जो कि होता है 1 महीने की सैलरी, यानी वर्कर महीने 12 काम करता है लेकिन उसको उन 12 महीनों की सैलरीज के साथ एक एक्स्ट्रा सैलरी बोनस के टाइम पे नाम से मिलती है। पॉइंट नंबर 2 से बात समझ आ गई, लेकिन उसको ये सैलरी देते कब है, जून में, अभी इस डाटा किसका है, अप्रैल का, हर साल जून में उसको एक एक्स्ट्रा सैलरी बोनस मिल जाती है। ये जो एक्स्ट्रा सैलरी एक बोनस के नाम से मिल रही है, ये बिजनेस का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस ही है ना। आखिरी पॉइंट, कंपनी फॉलोज द पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग बोनस। अच्छा जो लोग FAR 1 अभी पढ़ रहे हैं उनको शायद थोड़ी मुश्किल पेश आए इसमें, लेकिन एक्रूअल प्री पेमेंट के चैप्टर के बाद हो जाएगा इंशाल्लाह बेहतर। कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ एक्रूइंग, एक्रू करना कहते हैं एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट करने को ऑन अ मंथली बेसिस। इस बात का मतलब क्या है, अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी 500 है महीने की तो उसको साल में कितना बोनस मिल रहा है, 500, एक महीने की सैलरी मैंने कहा 500 है तो उसको साल में एक दफा मंथली सैलरी मिलनी है ना 500। बिजनेस के लिए ये पूरे साल का एक बोनस एक्सपेंस होगा जो बिजनेस पे कब करेगा, जून में, लेकिन बिजनेस की पॉलिसी ये है कि बिजनेस इस 500 को एक ही बार एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट की एंट्री करने की बजाय हर महीने एंट्री करता है। ऐसे कितना बना 41 पॉइंट, तो वो हर महीने ये एंट्री करता जाता है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बोनस पेएबल क्रेडिट, ये कंपनी की पॉलिसी है, ये इस लाइन का मतलब है। बिजनेस का पूरे साल का एक्सपेंस 500,
लेकिन चूंकि बिजनेस ने हर महीने इसकी तोड़ के एंट्री करनी होती है तो वो एंट्री कर रहा होगा दिस डिवाइड बाय 12 इस अमाउंट से, हर महीने एंट्री करते जाएगा सैलरी एक्सपेंस डेबिट और बोनस पेएबल क्रेडिट। ये वाली बात आई समझ? अच्छा, चूंकि कहा ये है कि मंथली बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करना है और क्या वन मंथ सैलरी, हर डिपार्टमेंट के लोगों के लिए बात होगी फिर यकीनन। इस टेबल में मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूँ, टोटल वेजेस एक्सपेंस इकट्ठा कर रहा हूँ, जो सवाल में दिया था वो लिख लिया आप तक, और क्या किया एम्प्लॉयर का फंड कंट्रीब्यूशन लिख दी कि मैं टोटल डेबिट इकट्ठा कर रहा हूँ। अब बोनस पे आते हैं, एक इसको कहा मैंने, एक जो सैलरी दी हुई है यानी 500, एक महीने में कितना एक्सपेंस करे डिवाइड बाय 12, ये डिवाइड बाय 12, ठीक है, हर एक का डिवाइड बाय 12 करके हम इस महीने में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे बोनस के नाम पे, ठीक है। ये मैं वर्किंग क्या कर रहा हूं, मैं टोटल डेबिट इकट्ठा कर रहा हूं जो वेजेस कंट्रोल में डेबिट कर रहा है, सारा एक्सपेंस मिलाता जा रहा हूं, ये गिवन था, ये अलग से फंड कंट्रीब्यूशन आ गई, ये वो है जो मैंने भी बोनस समझाया है, ठीक है ये। अब इसमें सी फैब वन वाला पॉइंट ये था कि पॉइंट नंबर वन, साल में 35 छुट्टियां अलाउड हैं, 35 पेड लीव्स, बीमार भी हो सकता है वैसे चलो छुट्टी कर लेता है, मुख्तलिफ नामों से साल की 35 छुट्टियां अलाउड हैं। पेड लीव्स का मतलब ये होता है कि कर वो छुट्टी रहा होगा लेकिन पैसे मिल रहे होंगे। अच्छा, इसके ना अब मैं आप सीफे वन की बात बता रहा हूँ, आई 19, इसमें फिर आगे दो तरह की मजीद केसेस होते हैं कि छुट्टी कर ले तो ठीक है, नहीं की तो उसकी मर्जी, नहीं की तो मर्जी उसकी, हमने तो कहा था कर ले, एक ये सिनेरियो होता है। और दूसरा सिनेरियो होता है कि अगर वो छुट्टी नहीं कर रहा तो फिर टेक्निकली वो ओवरटाइम लगा रहा है, तो जो उसने छुट्टी नहीं की होती वो एम्प्लॉयर को कहता है कि मुझे पैसे दे दो छुट्टी के। मैं दोबारा बताता हूँ, पेड छुट्टियां दो तरह की हो सकती हैं, या वो जाया हो सकती हैं, नहीं की छुट्टी नहीं की मर्जी उसकी, या वो इन कैश हो सकती हैं, ठीक है। इस सवाल में ना उसने चूंकि आईस 19 तो नहीं बस एक कॉन्सेप्ट टेस्ट किया था, नहीं करना चाहिए था, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, बाकी आपके लेवल का है जो मैंने सारा कुछ बताया, बोनस भी आपके लेवल की चीज है, बहुत अनोखी नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ये जिनको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं, इग्नोर करना। इसके लिए जो उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए इसको डाल दिया वो है इनकैशमेंट, इनकैशमेंट। अब हम एम्प्लॉयर बनकर मैं एक बात समझा रहा हूं, एम्प्लॉयर ये करता है कि वो ये अंदाजा लगाता है कि एम्प्लॉयज नहीं बैठेंगे घर, आ जाएंगे, क्योंकि एसी चल रहा है, घर में बैठते लड़ाइयां होती तो उन्होंने आ ही जाना है, कंपनी ने शुरू में अंदाजा लगा लिया कि इन्होंने आ जाना है, जब आ जाना है और छुट्टी नहीं करनी तो फिर वो पैसे ले जाएंगे। अच्छा, अब अगर इन्होंने छुट्टियों के पैसे ले लिए तो ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जानी है कंपनी को, क्योंकि अगर वो छुट्टी करते तो ठीक है 12 महीने की सैलरी पहले भी देनी थी, अब भी दे देते, लेकिन अगर वो छुट्टी नहीं करेंगे और उन छुट्टियों का कैश लेने आ जाएंगे तो 12 महीनों की तनख्वाह भी गई होगी और वो कैश भी जाएगा ना, ये बात समझ आ रही। तो कंपनी क्या करती है, वो कहती है कि इन्होंने आ जाना है ऑफिस, नहीं जाना घर, तो वो इन छुट्टियों के पैसे एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट करने को तैयार है, इन छुट्टियों की टोटल अमाउंट इस उम्मीद पे कि उन्होंने नहीं करनी छुट्टियां, वो एक्सपेंस मान लेंगे अपना। ये एक्स्ट्रा क्यों कह रहा हूं मैं इसको, एक्सपेंस सैलरी में ऑलरेडी क्यों नहीं शामिल, क्योंकि 12 महीनों की तनख्वाह मिलनी थी, उन्हीं में से 35 कहा था दिन ना आना, अब अगर वो उन 35 दिनों में भी आ जाएंगे तो फिर जो पैसे मांगेंगे वो उन 12 सैलरीज के, इसको एक्स्ट्रा एक्सपेंस कह रहा हूं। अच्छा, 35 दिन साल में एक दफा, 35 पेड लीव्स पर ईयर, अगर किसी एक पर्सन की सैलरी 36,000 है, एक महीने की सैलरी 36,000 है, तो 35 दिन की कितनी बनी, एक महीने की कहा मैंने 36,000 है, ये क्या किया, ये क्या किया पर डे, यानी जिस वर्कर की मंथली तनख्वाह इतनी है वो साल के एंड पे आके हमसे इतने पैसे ले जाएगा, ये 35/30 समझ आई बात, यानी ये पैसा बिजनेस को एक दफा साल में एक्सपेंस पड़ने वाला है। सवाल की रिक्वायरमेंट से ऊपर आखिरी पॉइंट, जो बात बोनस के लिए कंपनी ने तय की है
वही इसके लिए भी है क्या? यानी हर महीने एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट इस अमाउंट से किया करेंगे। ये बात नहीं, ठीक है, अमाउंट नहीं पूछ रहा, मैंने तो अंदाजा ऐसे लिखा है, असल चीज ये पूछ रहा हूं। ये बात आई समझ? ए मंथली सैलरी इंटू 35/30 इंटू, ये मजीद एक्सपेंस में शामिल करती है, ठीक है। अच्छा, और अगर ये जो बनाते जा रहे एंट्री साल के एंड पे आके पता चले कि नहीं वो तो छुट्टियां कर गया था, जब छुट्टियां कर गया था तो फिर तो पैसे लेके नहीं आएगा, फिर क्या करेंगे? फिर रिवर्स कर देंगे। अब या तो ऐसे कर लें कि ये एंट्री भी कर लें और जो छुट्टियां उन्होंने नहीं की उसकी एंट्री रिवर्स कर दें, या फिर ऐसे कर लें कि अभी एंट्री करने ही लगे तो जितनी छुट्टियां उसने नहीं की वो नेट कर लेना। ये मैंने नेट कर लिया, ये मैंने नेट कर लिया। ये कितनी है ये आपको सवाल में लिखी नजर आएंगी पॉइंट नंबर 4 में, ड्यूरिंग अप्रैल एम्प्लॉयज ने इतनी छुट्टियां कर ली, अवेल्ड लीव्स, जब कर ली तो फिर इनके पैसे नहीं देंगे ना उनको, तो वो जो हम कह रहे थे कि छुट्टियों के पैसे वो लेने आ जाएंगे तो इतने नहीं आएंगे लेने, तो या तो इस 85,000 की ये एंट्री कर दें या फिर जो अभी हम बड़े एक्सपेंस की एंट्री करने लगे हैं उसमें से माइनस कर लें। ये मैंने माइनस कर लिया, लेकिन ये 85,000 कौन है नहीं पता ना, तो फिर ऐसा करते हैं इनको बांट देते हैं। तो मैंने ये किया कि इसको बांट दिया, सैलरी की रेशो में बांट दिया। मुझे क्या पता यार, मुझसे पूछेंगे तो मेरे को ना बनाए, अगर नहीं पूछेंगे तो हो सकता है। ये टोटल अब एक्सपेंस बन गया, ये टोटल एक्सपेंस हो गया, ये टोटल वर्किंग प्रोसेस में जाना है और ये एफओएस कंट्रोल में जाना है। जी जी, तो वो तो 12 महीने की तनख्वाह में कवर्ड है, वो 12 महीने की तनख्वाह उनको पूरी मिलेगी, छुट्टियों के पैसे कटेंगे नहीं, तो वो छुट्टियां उन्होंने करनी बस, ठीक है 12 महीने की तनख्वाह मिल जाएगी। अगर छुट्टी ना करते और वो इन कैश कराने आ जाते फिर हम उनको एक्स्ट्रा पैसे देते, ठीक है। चले, अब से ऑनवर्ड आपकी हस्बे तौफीक, जो इसको छोड़ना चाहे मर्जी है, जो करना चाहे अब इस पे वो इसको सोल्यूशन अच्छी तरह देख के सर खपा के कल आना, कल से इंशाल्लाह मैं प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करूंगा, ठीक है ना।